गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज ज्योति विजय, क्लास फोर्थ, इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर फोर, द वर्ब. ठीक है, हियर वी रीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. देखो, राइट करते हैं हम डेफिनेशन. द वर्ड विच एक्सप्रेस what the person animals or things are doing are called verbs. ठीक है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ते हैं हम. द वर्ड विच एक्सप्रेस, शब्द जो कि एक्सप्रेस करता है व्हाट द पर्सन एनिमल और थिंग्स आर डूइंग, कि व्यक्ति जानवर और वस्तु क्या कर रहे हैं, आर कॉल्ड वर्ब्स. ये क्या होती है, वर्ब्स होती है. ओके, आज हम इसे पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में. वर्ब्स होती है क्रियाएं, जो काम हम करते हैं वही क्रियाएं होते हैं. जैसे व्यक्ति, वस्तु या एनिमल जो भी है वर्क कर रही है वो. जैसे वी आर रीडिंग, तो हम पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग क्या हो गया, वर्ब हो गई है. ओके, रीडिंग क्या हो गई है, वर्ब हो गई है. ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स राइट करिए यहाँ पर आप. द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग. ओके, द सन इज राइजिंग, तो ये क्या है, वर्ब हो गई. राइजिंग या क्या हो गई, वर्ब. ओके, इज राइजिंग या क्या हो गया, वर्ब. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में. हम पढ़ेंगे यहाँ पर काइंड्स ऑफ वर्ड्स ओके. देखिए यहाँ पर वर्ब्स की कई काइंड्स दी हुई हैं. फर्स्ट है यहाँ पर, देखो आज हम नेम पढ़ेंगे ओनली. फर्स्ट है एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ब्स. ठीक है, इसमें जैसे आती है ईट, ड्रिंक, जो भी काम हम करते हैं वो. ठीक है, प्ले एटसेट्रा. ओके, सेकंड देखिए हम पढ़ेंगे. सेकंड देखिए बीइंग वर्ब्स. बीइंग वर्ब्स क्या होती हैं, इसके बारे में राइट करेंगे आज हम. बींग वर्ब्स क्या होती है, देखो बींग वर्ब्स एज ए हेल्पिंग वर्ब होती है. इज, एम, आर, वाज, वर बींग वर्ब होती हैं. ओके, ठीक है, इसमें हम बींग बीन भी जोड़ लेते हैं. Been etcetera, ये कौन सी वर्ब हो गई, बींग वर्ब. एज ए हेल्पिंग वर्ब होती है ये. ठीक है ना, जिसमें नोट लगता है. थर्ड है having verbs. थर्ड है having verbs. देखो having verbs कौन सी होती है इसके बारे में देखिए. देखो having verbs होती है have की वर्ब. Have की वर्ब होती है has, have और had. ओके, ये have की वर्ब होती हैं. नेक्स्ट देखिए फोर्थ है हमारे saying verbs. फोर्थ है saying verbs, या इतनी इसको केवल रीड करना है saying verbs को केवल, जैसे say, think, feel, ask, etc. say,
थिंक फील एंड आस्क एक्सेट्रा. ओके नेक्स्ट देखिए, अब मेन जो होती है वो होती है ट्रांजिस्टिव वर्ब एंड इंट्रांजिस्टिव वर्ब. फिफ्थ देखिए, ट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होती है, हम केवल आज इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे, फिर कल जब हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे तब ट्रांजिस्टिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है. ट्रांजिस्टिव वर्ब होती है ईट, राइट, ड्रिंक, ईट, राइट, ड्रिंक एटसेट्रा. ओके ठीक है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं वर्ब. और सिक्स्थ होती है इंट्रांजिस्टिव वर्ब. इंट्रांजिस्टिव वर्ब ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, इसमें आएगा देखो स्लिप, लुक, इसमें आएगा स्लिप, रन, डांस, स्लिप, रन, डांस एक्सेट्रा. हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे तब हम इनको खुल के पढ़ेंगे. ओके ठीक है, एक होती है मेन वर्ब्स. मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स एक्शन वर्ब्स ही होती है. मेन वर्ब्स जो बीइंग वर्ब्स होती हैं वो ऑक्सिलरीज होती हैं, और वो ही सिमिलर हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज कह दो या बीइंग वर्ब कह दो ठीक है, पर ऑक्सिलरीज में हैविंग वर्ब भी इंक्लूड हो जाती है. ऑक्सिलरीज जो होती है उसमें बीइंग और हैविंग वर्ब बोथ आर इंक्लूड हो जाती है, दोनों इंक्लूड हो जाती हैं, पर एक्शन वर्ब मेन वर्ब की सिमिलर होती हैं ठीक है. तो हम इसमें इसके बाद हम दो वर्ब्स और पढ़ेंगे, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरीज. तो मेन वर्ब जो होंगी, जो वो मेन वर्ब जो होती हैं जिनकी जो ईट है, ड्रिंक है, प्ले है, जो भी काम हम करते हैं वो मेन वर्ब्स में आती हैं ठीक है ना. थिंक, गो, कम, वो सब मेन वर्ब्स हो गई हैं. और बीइंग वर्ब्स और हैविंग वर्ब दोनों मिलके ऑक्सिलरीज वर्ब बनती हैं. जो ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती हैं उनमें नोट लग जाता है. ऑक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं. बीइंग वर्ब्स और हैविंग वर्ब्स इंक्लूड हो जाती है उसमें. तो देखो मेन वर्ब और जो ऑक्सिलरीज वर्ब हैं उसके बारे में एक बार आपको मैं और बता देती हूँ. लुक इन द बुक, लुक इन द बुक काइंड्स ऑफ वर्ब्स एक बार हम रीड कर लेते हैं बुक में से. देखिए एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, वी देखो एक्शन वर्ब्स होती हैं ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, रन, स्विम एक्सेट्रा. जो भी वर्क हम करते हैं वो एक्शन वर्ब में आती हैं. सेकंड देखो बीइंग वर्ब्स, इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीन. बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, प्रेजेंट टेंस की होती है. वाज वर्ब पास्ट टेंस की होती है ठीक है. हैविंग वर्ब देखो हैज, हैव, हैड, ये हैविंग वर्ब्स होती हैं. सेइंग वर्ब्स मैंने आपको बता ही दिया, से, थिंक, फील, आस्क, इंक्वायर, इन्फॉर्म, ये सेइंग वर्ब्स होती हैं. नेक्स्ट देखिए ट्रांजिस्टिव वर्ब मैंने बताया बी पार्ट में रखा है, ईट, राइट, ड्रिंक, से, रीड, ये ईट एक्सेट्रा. ये वर्ब जो होती है ट्रांजिस्टिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है. आई ईट फूड, आई ईट मैंगो, आई राइट ए लेटर. तो ये चीज़ें अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी तो ये ट्रांजिस्टिव वर्ब होंगी. इंट्रांजिस्टिव वर्ब स्लीप, रन, डांस, स्टैंड, तो ये इंट्रांजिस्टिव वर्ब होती हैं, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं ठीक है ना. और मेन वर्ब सिमिलर होती हैं एक्शन वर्ब की, देख लो ईट, ड्रिंक, स्लिप, रन, से, ये सब मेन वर्ब्स होते हैं जिनकी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, वो मेन वर्ब्स होती हैं. ऑक्सिलरीज इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड एटसेट्रा. ये सब ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, ये अपने साथ नोट लेती हैं ठीक है. ऑक्सिलरीज वर्ब आर सिमिलर टू हेल्पिंग वर्ब्स. ओके तो अब हमको ऑक्सिलरीज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम होती हैं ठीक है ना, उनमें भी नोट लगता है. और ऑक्सिलरीज बोल दो या हेल्पिंग बोल दो बात एक ही होती है ठीक है ना. अब आप इसको जो मैंने आपको आज बताया था, मैंने आपको आज समझाया था ये एक्शन वर्ब की डेफिनेशंस ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में, इसको आपको आज राइट करना है ठीक है. आज इसको आपको राइट करना है, राइट करके आपको इसको अपनी नोटबुक में राइट करना है. और फिर जब हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे तब हम थोड़ा खुल के पढ़ेंगे एक्शन वर्ब क्या होती है, बीइंग वर्ब्स क्या होती है, हैविंग वर्ब्स क्या होती है, तो उनके बारे में क्लियर पढ़ेंगे वन वन के बारे में. ओके ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही था. आज के वीडियो में जो भी आपको बताया गया इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है. ओके
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आपको केवल ये जो पेपर में राइट किया हुआ यही लिखना है, बुक शो की थी उसे आपको राइट नहीं करना है, ठीक है। जब हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे, एक्शन वर्ब के बारे में, बीइंग वर्ब के बारे में, तब हम इनको सेपरेटली लिखेंगे। सिर्फ आपको आज इतना ही वर्क करना है और बार बार इसे रीड करना है, ओके, अंडरस्टैंड करना है कि कैसे ये वीडियो, कैसे ये वर्ड्स हैं, कैसे वर्ब, एक्शन वर्ब है, बीइंग वर्ब है। तो आपको इनको सबको राइट करके एक बार रीड करना है, ओके, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।